मेरे भाई लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि कीबोर्ड बहुत हो गया, आप जरा मॉनिटर के बारे में बता दो, सेल आ रहा है जल्दी जल्दी बताओ वरना मॉनिटर का प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज एपिसोड लेकर आ गया हूँ 10,000 जिस प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा मॉनिटर बिकता है वही वाला जो सेगमेंट है हम कवर करेंगे। वो सारे मॉनिटर की बात नहीं करेंगे जिनसे आपको इस सेल में दूर रहना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके से न्यूट्रल अनबायस रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस बनाए रखने के लिए अब आप डायरेक्टली भी मदद कर सकते हो। वो कैसे? अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindiaofficial में आके बताओ, हम जो है उस प्रोडक्ट को लेने में आपकी मदद करेंगे कुछ मॉनिटरी तरीके से, और एवज में आप जो है हमें उसे रिव्यू करने दे देना। रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं under 10,000 वाले बेस्ट सेल वाले मॉनिटर्स की बात TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। दोस्तों आज का जो एपिसोड है उसमें हमने ज्यादा नहीं सिर्फ 5 मॉनिटर्स जो है उनको आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 5 वाले मॉनिटर से, BenQ GW2490। तो यहाँ पर ये जो मॉनिटर है इसमें क्या चीजें आपको देखने मिल रहा है, देखो IPS पैनल तो मैंने पहले ही बोल दिया सारे मॉनिटर में आपको मिलने वाला है। साइज जो है इसका 24 इंच का होने वाला है, फुल HD मॉनिटर होने वाला है, 100Hz का रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है, 5 मिलीसेकंड ग्रे टू ग्रे जो है आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम मिलने वाला है। फ्री सिंक की बात कर ले तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फ्री सिंक नहीं मिल रहा है, ना ही जी सिंक मिल रहा है। और अगर sRGB की बात कर ले 99% आपको देखने को मिलेगा, ब्राइटनेस जो है 250 nits का आपको देखने को मिलता है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो जबरदस्त है, इसीलिए आज जो है ये हमारे फहरिस्त में है 1300:1 जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है बहुत अच्छा माना जाएगा। और अगर माउंटिंग की बात कर ले तो वेसा माउंट कंपेटेबल है, दीवार वगैरह में लगाना है लगा सकते हो, माउंट कर सकते हो। साथ ही जो मॉनिटर है वो टिल्ट फंक्शनलिटी के साथ आता है। ओवरऑल सेल प्राइस क्या चल रही है देखो, ₹8,150 में ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर होने वाला है। चलिए बात करते हैं अब चौथे नंबर की, लेनोवो का L-Series L27i40। अब ये जो मॉनिटर है दोस्तों जैसे कि आपने मॉडल सी समझ लिया होगा 24 इंच का नहीं बल्कि 27 इंच का है। अब यहाँ पे 27 इंच होने के बावजूद जो है ये मॉनिटर हमारी फेहरिस्त में आज चौथे नंबर पे क्यों है, तो रीजन ये है कि जब आप 27 इंच का कोई मॉनिटर लेते हो और उस पे आपको फुल HD का रेजोल्यूशन मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको शार्पनेस में समझौता करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो पैनल है आपको पता ही है IPS पैनल की बात हो रही है, ए ग्रेड पैनल की बात हो रही है, FHD रेजोल्यूशन की बात हो रही है। रेस्पॉन्स टाइम दोस्तों 4 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलेगा, AMD फ्री सिंक के साथ देखने को मिल रहा है, sRGB 99% देखने को मिल रहा है, ब्राइटनेस देखो जबरदस्त है, 300 nits का ब्राइटनेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और साथ ही कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है 1300:1 का देखने को मिल रहा है। मेरे जिन भाई लोगों को एडिटिंग वगैरह करना है, गेमिंग वगैरह करना है, उनको मैं रिकमेंड करूंगा इसी का जो 24 इंच वाला वेरियंट है उसको लेने का, प्राइस में भी आपको थोड़ा डिफरेंस मिल जाएगा। तो दोनों का जो लिंक होगा मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। जो 24 इंच वाला मॉनिटर है वो आपको ₹8,609 का देखने को मिलेगा, जो 27 इंच वाला मॉनिटर है वो ₹11,799 का देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के एपिसोड के तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटर की। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है व्यू सोनिक का मॉनिटर। इन डेप्थ रिव्यू आपको सारे मॉनिटर्स का देख लेना है क्योंकि इस तरह के एपिसोड्स में जब सेल चल रही होती है तब सारी चीजें बताना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो व्यू सोनिक का VX2481 जो है हमारे तीसरे नंबर का पिक है। क्यों है? IPS पैनल 24 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन के साथ आता है, रिफ्रेश रेट 75Hz है, रेस्पॉन्स टाइम 1 मिलीसेकंड है दोस्तों, तो गेम खेल के आपको यहाँ पे मजा ही आने वाला है। और साथ ही सिंक मिल रहा है AMD फ्री सिंक का। कॉन्ट्रास्ट जो है आपको 1000:1 का देखने को मिल रहा है, sRGB दोस्तों 102% का देखने को मिल रहा है, बता रहा है कि पैनल का ग्रेड जो है वो कितना बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही ब्राइटनेस जो है वो 250 nits का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओवरऑल वेसा माउंट के साथ कंपेटेबल है, टिल्ट जो फंक्शनलिटी है वो इस मॉनिटर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। और इसका प्राइस आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस सेल प्राइस में आपको जो है 11,999 में ये व्यू सोनिक का मॉनिटर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों नंबर 2 की। दोस्तों एसर का हमने एक मॉनिटर चूज किया है, एसर EK2400YE नाम से आता है, मॉडल का नाम बहुत लंबा है याद रखने की जरूरत नहीं है, नीचे लिंक दे दिया हूँ वहां से जाके परचेज कर लेना। अब यहाँ पर ये जो मॉनिटर है ये मैंने पर्सनली अपनी यहाँ पे मेरा एक भाई है जो काम करता है उसको मैंने सजेस्ट किया था और उन्होंने खरीदा है और उनके थ्रू जो है ये वीडियो हम ला पा रहे हैं। अब ये मॉनिटर क्यों नंबर 2 पे है, तो यहाँ पे रीजन ये है कि इसका प्राइस के हिसाब से जो वैल्यू फॉर मनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो कमेंडेबल देखने को मिलेगा। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले IPS पैनल 24 इंच FHD ये सारी चीजें अपनी जगह पे है, रिफ्रेश रेट 100Hz का देखने को मिल रहा है, रेस्पॉन्स
आइंस्टाइन 1 मिलीसेकंड वीआरबी का देखने को मिल रहा है, और साथ ही जो सिंक है वो एएमडी फ्री सिंक के साथ आता है। एसआरजीबी 99% है दोस्तों, ब्राइटनेस 250 निट्स का है दोस्तों, और साथ ही कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1000:1 का है। अब इस मॉनिटर का रेट क्या होना चाहिए, इस मॉनिटर का रेट होना चाहिए बाकी सारे मॉनिटर का कंपेयर करें तो कम से कम 9,000 से 10,000 रुपए होना चाहिए, लेकिन इस मॉनिटर का प्राइस इस सेल में दोस्तों 6,299 रुपए का है, और यही रीजन है प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से ये मॉनिटर जो है आज हमारे लिस्टिंग में नंबर 2 पर है। अच्छा, इस मॉनिटर में आपको वेसा माउंट कंपैटिबिलिटी तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही यहाँ पे जो स्टैंड देखने को मिल रहा है वो भी आपको टिल्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, नंबर 1 पे कौन सा मॉनिटर है दोस्तों, एलजी का अल्ट्रा गियर 24GN65R। अब इसका जो है इन डेप्थ रिव्यू आपने ऑलरेडी देख लिया होगा इस चैनल पे, और अगर नहीं देखा है यहाँ पे मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, खरीदने से पहले एक बार देख लो, आपको और ज्यादा प्यार होने वाला है इस मॉनिटर के साथ। क्या रीजन है, आईपीएस पैनल, 24 इंच FHD रिजोल्यूशन, बाकी सारी चीजें ठीक है, रिफ्रेश रेट 144Hz का है, साथ ही आपको 1 मिलीसेकंड G2G आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलेगा, AMD फ्री सिंक sRGB 99% के साथ, 300 nits ब्राइटनेस के साथ, और साथ ही 1000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ। ये सारे जितने भी मैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो बोल रहा हूँ 1000 और 1000 से ऊपर, और साथ ही अगर फंक्शनैलिटी की बात करें इसके स्टैंड की, बेहतरीन सॉलिड स्टैंड के साथ आता है। अब यहाँ पर जो आपको माउंट देखने को मिल रहा है वो वैसा माउंट देखने को मिल रहा है, लेकिन आप इस पे लगाओगे नहीं, शर्त है मेरा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्टैंड मिल रहा है वो काफी सारी फंक्शनैलिटीज के साथ आता है, और इसमें आपको इसीलिए टिल्ट तो मिलता ही है, पाइवट भी मिल जाएगा और एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो इतना बेहतरीन मॉनिटर आपको कितने प्राइस में मिलेगा, 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, 11,499 टू बी प्रिसाइज आज इस सेल में ये मॉनिटर होने वाला है। देर मत करना, क्योंकि ये जो मॉनिटर मैंने बताया है ये सबसे ज्यादा जल्दी जो है आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला है। नीचे लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाकर परचेज कर लो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में नीचे कमेंट करो, मेरे भाई लोगों की ईमानदारी, मेरे भाई लोगों की मेहनत आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, और साथ ही इनमें से कोई भी अगर आप मॉनिटर लेते हो तो एक वादा मुझे आपसे चाहिए, आप उसका पिक जो है सेटअप बनाने के बाद मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindiaofficial में आके जरूर से शेयर करोगे, ताकि मैं उसे उठाकर वोटिंग पे लगाऊंगा। वोटिंग होगी इंस्टाग्राम पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा एक डोमिनोज का वाउचर।